नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार को अमृत और नमामि गंगे से जुड़ी 543 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री ने गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे कई दिग्गज। कभी गर्म तो कभी नरम पड़ रहे हैं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का तेवर। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। दूसरे राज्यों के भाजपा विरोधी पार्टी हुए एकजुट। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा झामुमो वामदल थाम सकते हैं महागठबंधन का दामन। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को लेकर अटकलें हुई तेज। लालू प्रसाद यादव की जमानत रोकने सीबीआई ने दायर किया हलफनामा। एक बार फिर चर्चा में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। फेम इंडिया के सर्वे में देश के 50 चर्चित भारतीय में टॉप 10 में हुए शामिल। उपनिर्वाचन आयुक्त ने जताई चिंता, कहा प्रतिबंध के बावजूद बिहार में कैसे मिल रही है शराब। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान, कहा सरकार रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छा पूरी कर देंगे सार्थक श्रद्धांजलि। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने आरजेडी पर लगाया आरोप, कहा आरजेडी के युवराज द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना से हुई रघुवंश बाबू की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर लगाया आरोप, रघुवंश प्रसाद की मौत को साजिशन हत्या दिया करार। भागलपुर पहुंची चुनाव आयुक्त की टीम, 12 जिलों के डीएम और एसपी के साथ की चुनावी तैयारी की समीक्षा। उपनिर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार ने की तैयारी की समीक्षा। कोविड को लेकर अपनाए जा रहे तरीकों के बारे में डीएम और एसपी से ली जानकारी। उपनिर्वाचन आयुक्त के साथ बिहार निर्वाचन आयोग की टीम भी पहुंची भागलपुर। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। चुनाव आयोग की टीम ने 12 जिलों के डीएम एसपी के मतदान में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के दिए आदेश। चुनाव आयोग की टीम ने भागलपुर पहुंचने पर प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम ने किया स्वागत, कोरोना को लेकर बरती गई विशेष सावधानी। चुनाव आयोग की टीम के भागलपुर आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हवाई अड्डा से लेकर मीटिंग स्थल तक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के साथ पुलिस जवान की गई तैनाती। भागलपुर में कोरोना का कहर जारी। मायागंज अस्पताल में पिछले 7 घंटे के भीतर 4 कोरोना मरीज की मौत। आईसीयू में भर्ती मरीज की मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। मायागंज अस्पताल में थम नहीं रहा है कोरोना से मरने वालों का सिलसिला। जिले में अब तक कोरोना से 87 लोगों ने गंवाई है जान। बिहार में कोरोना जांच का आंकड़ा 50 लाख के पार, तो वहीं रिकवरी दर पहुंचा 90% के पार। राज्य में 1,45,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात, तो वहीं 831 लोगों ने गंवाई है कोरोना से जान। बेसूत्री मांगों को लेकर ट्रक मालिकों का अनिश्चित हड़ताल, दूसरे दिन लगातार जारी। एनएच पर लगी वाहनों की लंबी कतार। ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल को बताया पूरी तरह सफल, प्रशासन पर परेशान करने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस सख्त, शहर के सभी चौक चौराहों पर की जा रही है वाहन की सख्ती से जांच। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।